एक देहरादून में एक साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें जो आरती रावत देहरादून की रहने वाली महिला थी, उसके साथ जो है जून माह में यह अपराध हुआ था कि उसको एक जो है डॉग खरीदना था, तो उसने इंटरनेट पे ऑनलाइन पे सर्च किया, जिसमें उसने जस्ट डायल जो है वो वेबसाइट के थ्रू उसको ये गोल्डन रिट्रीवर जो डॉग उसको चाहिए था वो उसकी डिटेल्स उसने देखी, और जो है उसने जस्ट डायल पे जो कस्टमर केयर नंबर दिया था उस पर उसने कॉल किया, तो उसके माध्यम से जो वो वेबसाइट भी फर्जी थी जस्ट डायल की हूबहू दिखने वाली, और जो नंबर थे वो भी फेक थे नंबर कस्टमर आईडी के, और उसके माध्यम से जो है वो जो आरती रावत जो है इनका जो अभियुक्त है उनके साथ जो है वो वार्तालाप हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से, और उन्होंने जो है 15,000 का जो डॉग था गोल्डन रिट्रीवर इसको खरीदने के लिए, पहले तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये आपको एडवांस देने हैं, 10,000 जो है जैसे ही आपको डॉग प्राप्त हो जाएगा आपको 10,000 बाद में देने, बस इतना सिंपल सा वो सौदा था, 5,000 पहले देने 10,000 बाद में देने, लेकिन धीरे धीरे करते करते प्रोसेसिंग फ़ी और हैंडलिंग चार्जेस कस्टम फ़ी ऐसा करते करते जो मामला 66 लाख तक पहुंचा, जो 15,000 रुपये का जो डॉग था वो 66,36,000 रुपये महिला ने धीरे धीरे करके उसको ये भी धीरे धीरे प्रलोभन दिया कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आपको पूरे पैसे मिलेंगे, आपको जितने आपने दिए उससे डबल मिलेंगे, तो ऐसा करके उन्होंने एक बार धीरे धीरे करके 25 लाख तक रकम गई कि आप 25 लाख दे दीजिए अभी और आपको जो है पूरे पैसे जो है 12 लाख दे दिए आपको 25 लाख मिलेंगे, तो उसने 25 लाख दिए महिला ने, फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि आपके जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे वो पहुंच गया है डॉग, तो ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट गए लेने के लिए महिला, लेकिन वहाँ कोई डॉग और कुछ नहीं था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो उसमें रुक गया है कस्टम में, अब आपको जो है 25 लाख अब आप एक आखिरी बार दे दीजिए और आपको पूरे जो है हमको 1 करोड़ आपको दे देंगे, तो ऐसा करके उसको कभी लालच कभी डर दिखाकर ऐसा करके महिला से 66,36,000 उन्होंने लिए, और जब फाइनली महिला जुलाई महीने में जो है साइबर क्राइम देहरादून में पहुंची तो ये हमको भी बड़ा शॉक लगा, तो हमने पूरे टीम ने जो है महिलाओं को बुलाकर जो है उससे वार्ता करी कि कैसे क्या उन्होंने 15,000 जो डॉग के लिए 66 लाख रुपये दे दिए, तो इसमें पूरी महिला से सहानुभूति रखी गई, पूरे डिटेल में पूरी टीमें लगाई गई देश भर में कि जितने भी बैंक अकाउंट्स में ये पैसा गया है जितने भी सिम कार्ड से बात हुई है व्हाट्सएप सारे पे हमने डेडिकेटेड पूरी टीम इसी काम में लगा रखी थी कई दिनों से, क्योंकि महिला सीनियर सिटीजन में भी थी, उसने अपने लड़की को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए डॉग किया था, तो इस तरह से हमने जो हमारे पास जो मोबाइल नंबर्स आए थे सीसीटीवी फुटेज आए थे बैंक अकाउंट्स आए थे इनको पूरा उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है 3 नाइजेरियन भी पकड़े पूर्व में और अब ये कैमरून से जो है हमने अभियुक्त पकड़ा हुआ है, तो ये पूरे देश में बहुत बड़ा कार्टेल है जिसमें ये पूरा जो है लड़कियों को जो है फ्रेंड बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को या ओडिशा के जो मजदूर है जो काम करने वाले उनको प्रलोभन देते हैं कुछ पैसा देते हैं उनकी आईडी ले लेते हैं, तो बैंक में अकाउंट बनाना फर्जी सिम कार्ड ये नया बहुत बड़ा कार्टेल है, इनके एजेंट्स होते हैं पूरे देश भर में, ट्रक ड्राइवर्स इनके साथ मिले होते हैं, तो ये पूरा कार्टेल देश में सब जगह लोग इस तरह से कर रहे हैं, पहले तो जामतारा मेवात के ही थे अब नाइजेरियन आ गए, अब नाइजेरियन से दूसरे देश के अब हमने कैमरून पकड़े, तो बहुत सारे राज्यों में इस तरह से लगातार हो रहे हैं, तो जो जो महिला के आरती रावत के साथ देहरादून में हुआ ऐसे पूरे देश भर में ये लोग विक्टिम बनाते हैं, लेकिन हमारी देश की जो है वो पुलिस इन तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि बहुत सारे अकाउंट होते हैं बहुत सारे राज्यों में ये फैले होते हैं अकाउंट मोबाइल सेम्स और फिर ये इनके तो पहुंच नहीं पाती है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस इसमें बहुत प्रशंसनीय कार्य करके जो है इसमें लगातार जो है इसमें ऐसे ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स को हमने क्रैक किया है इसमें। और भी